नाम है सलाल, हाँ अजीत सलाल भाई है कोई, मैंने उनकी वीडियो देखी थी, वो बोल रहे थे कि एट द एंड दिखा मेरा फोन, दिखा मेरा फोन जो है उसका, जब मैं वीडियो थोड़ी यार गाली वाली वीडियो होगी। तो कैसे हो आप सब लोग, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम सबसे पहले बात करेंगे एक इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर की अपडेट के बारे में। तो दोस्तों हमारी ये अपडेट निकल कर आई है फोर टाइम मिस्टर ओलंपिया जेरेमी बोंडिया की तरफ से, जिसमें आप देख सकते हो बहुत ही हार्ड एंड बिगर फिजिक्स वो कर रहे हैं और यहाँ पर इनकी बॉडी की कंडीशनिंग साइज के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। आप यहाँ पर इनके शोल्डर, इनकी चेस्ट और बाइसेप पर फोकस कर सकते हो भाई, फुलनेस ऑन पॉइंट है। इसके बाद में आप इनके वेस्ट के साइज को भी देख सकते हो कि इन्होंने अपनी ओवरऑल फिजिकल साइज तो इंक्रीज किया है पर वेस्ट के साइज को बहुत ही बढ़िया तरीके से कंट्रोल करके रखा है। और अगर यहाँ पर आप गौर करो इनकी लैट्स मसल्स पर तो ये पूरी खुलकर बाहर आ रही है। तो गाइस जेरेमी बोंडिया सर की इन अपडेट्स को देखकर हमें ऐसी वाइब्स आ रही है कि अब की बार के मिस्टर ओलंपिया में एरन बैंक्स एंड ब्रेंडन हेंडरसन को डोमिनेट करके ओलंपिया का टाइटल जीत जाएंगे। तो दोस्तों इनके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, क्या इस साल ओलंपिया का फिफ्थ टाइटल अपने नाम कर पाएंगे नहीं, कॉमेंट में जरूर बताएं। इनके बाद में हम बात करेंगे हमारे इंडियन आईएफबी प्रो रवनीत भाई की अपडेट के बारे में। तो काफी टाइम के बाद में इन्होंने हमारे साथ अपनी फ्रंट बॉडी की अपडेट को शेयर किया है, जिसमें आप देख ही सकते हो कि रवनीत भाई की फिजिक ओलंपिया लेवल की दिख रही है। इनकी किसी भी मसल में साइज की कोई भी कमी नहीं है एंड कंडीशनिंग भी यहाँ पर बहुत ही इम्प्रेसिव है। आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो रवनीत भाई की चेस्ट कितनी ज्यादा थिक एंड फुलर है, बाइसेप्स एंड शोल्डर भी यूज है, इनके एब्स भी यहाँ पर बाहर की तरफ पॉप अप हो रहे हैं। तो दोस्तों इस अपडेट में रवनीत भाई बहुत ही बढ़िया शेप एंड साइज में हमें नजर आ रहे हैं और इनकी इस फिजिक अपडेट को देखकर हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि अगर इन्होंने दिल्ली प्रोजो के अलावा किसी और प्रोजो में इंडिया से बाहर जाकर कॉम्पीट किया तो ये ओलंपिया के क्वालिफिकेशन इजीली ले सकते हैं, क्योंकि इनकी फिजिक के अंदर एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है और ये तगड़े तगड़े मेंस फिजिक एथलीट्स को डोमिनेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने तो रवनीत भाई की ये फिजिक अपडेट देख ली, इनके बारे में आपके क्या ओपिनियंस हैं मेरे साथ कमेंट में शेयर जरूर करें। इनके बाद में हम बात करेंगे नितिन चंदीला भाई की अपडेट के बारे में। तो दोस्तों इन्होंने जीत सलाल सर को अपने अंदाज में रिप्लाई दिया है और भाई वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये कोई कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक नहीं है। नितिन चंदीला भाई ने यहाँ पर जीत सलाल सर का सीधा सीधा नाम लिया है, क्योंकि दोस्तों जीत सलाल सर ने जो इनहांस बॉडी बिल्डर के बारे में जो बातें बोली थी उन्हीं का रिप्लाई नितिन भाई ने यहाँ पर दिया है। तो चलिए इस क्लिप को शुरू करते हैं। सारे के सारे मिलजुल कर अपने बड़े तरीके से रहो यार, गलत चीजें मत करो कि तुम व्यूज के चक्कर में कभी कुछ कर रहे हो कभी कुछ कर रहे हो। मैंने तो एक बंदे की वीडियो देखी थी, वो कह रहा था कि पता नहीं नाम क्या नाम है, हाँ अजीत सलाल भाई है कोई, मैंने उनकी वीडियो देखी थी, वो बोल रहे थे कि एट द एंड देखा मेरा फोन, दिखा मेरा फोन जो है उसका, जब मैं वीडियो थोड़ी यार गाली वाली वीडियो होगी देखो भाई थोड़ा सा, देखो मैं गाली वाली देता नहीं हूँ वीडियोज में, उसने भी अल्टीमेटली ये सब जीतने के बाद अपना सप्लीमेंट कंपनी खोला है। जब बिजनेस ही करना है तो इतने सारे ड्रग्स लेके क्या करोगे आप? कौन कह रहा ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हमने भी बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी थी तो हमने नहीं सोचा था कि कोई कंपनी आएगी वो हमें स्पॉन्सर करेगी, कोई कंपनी आएगी वो पैसे देगी, हमारा बस ये था कि बॉडी बनानी थी। और वो आज भी वही गोल चल रहा है कि बस लड़ाई लड़ रहे हैं उस चीज से कि हाँ करना है, और आपको उस वाली स्टेज पे खड़े ना पीछे जा सकते और आगे जाना है, आगे जाना है ना। तो ये बहुत छोटी सोच है जिस भी भाई ने बोली, मैंने तो इनकी पहली वीडियो यही देखी थी, मुझे किसी ने रील पे भेजी थी कि क्रिस बमस्टर ने अपनी बॉडी देखी थी, क्रिस बमस्टर ने इतना सैक्रिफाइस इसलिए करा क्योंकि उसे एक सप्लीमेंट स्टोर खोलना था शायद, मुझे ये लगता है, या उसे अपना सप्लीमेंट लॉन्च करना था। मुझे लगता है कि जब उसने ये चीज शुरू करी होगी तो उसके दिमाग में ये चीज मैं करूँ दूर दूर तक भी नहीं होगी। तो वही बोला मैंने सबकी अपनी सोच। इनके बाद में हमारी अपडेट आई है रोहित कत्री और उनके कोच अंकुर शर्मा सर की तरफ से। तो आप सभी को पता ही होगा कि ये कॉम्पीट करने वाले हैं साल के सेरू क्लासिक में। तो गाइस इन्होंने सेरू क्लासिक की क्वालिफिकेशन लेने के लिए कॉम्पीट किया है एनपीसी चंडीगढ़ में। तो यहाँ पर इन्हें अपना अपना ट्रंक नंबर मिल चुका है, जिसमें आप देख सकते हो रोहित कत्री भाई का है 204 एंड अंकुर शर्मा सर का है 205। अब देखते हैं यहाँ पर एक कैसा पैकेज डिस्प्ले करते हैं और क्या ये यहाँ पर गोल्ड मेडल जीत पाएंगे, कॉमेंट में जरूर बताएं। इनके बाद में हम बात करेंगे हरविंदर सिंह बाइक की अपडेट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स इनकी अपडेट से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कॉम्पीट करने वाले हैं साल के सेरू क्लासिक में और इन्होंने हमारे साथ अपनी सबसे खतरनाक एंड शॉकिंग फिजिक अपडेट को हमारे साथ शेयर किया है। आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि हरविंदर भाई के शोल्डर एंड बाइसेप्स कितने ज्यादा ह्यूज दिख रहे हैं, शोल्डर की राउंडनेस वो कितनी खतरनाक दिख रही है और बाइसेप्स यहाँ पर बहुत ही बिगर है, इनकी चेस्ट में भी आपको यहाँ पर फुलनेस नोटिस हो रही होगी। तो फ्रेंड्स हरविंदर भाई की इन शॉकिंग
अपडेट्स को देखकर हमें लग रहा है कि इस साले शेरू क्लासिक में प्रो कार्ड के लिए पूरे दावेदार होने वाले हैं, क्योंकि पहले भी इन्होंने प्रो कार्ड के लिए फाइट की है। तो देखते हैं आपकी बार एक कैसा पैकेज दिखाते हैं सभी लोगों को शेरू क्लासिक में, और इनके बारे में आपको क्या लगता है, क्या इस साल इंडिया के न्यू आईबीपी प्रो बॉडी बिल्डर बन पाएंगे नहीं, आपके जो भी थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताएं। इनके बाद हम बात करेंगे माइकल क्रिजो की अपडेट के बारे में। तो दोस्तों इन्होंने काफी टाइम के बाद में हमारे साथ अपनी लेटेस्ट अपडेट एंड नेक्स्ट प्रोसो की अनाउंसमेंट की है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके प्रोसो के बारे में। तो दोस्तों ये 3 वीक्स आउट है इम्प्रो क्लासिक से। इसके बाद में आप इनकी लेटेस्ट अपडेट पर भी फोकस कर सकते हो कि माइकल क्रिजो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया साइज और कंडीशनिंग में दिख रहे हैं। इनकी इस अपडेट को देखकर तो हमें कहना पड़ेगा कि भाई माइकल क्रिजो ने आपकी बार अपनी कंडीशनिंग को बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव किया है, जिसे आप इनके शोल्डर के फाइबर्स और चेस्ट की फुलनेस के साथ साथ खूबसूरत मिड सेक्शन से नोटिस कर सकते हो। तो गाइस माइकल क्रिजो जो प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं ऐसी कंडीशनिंग में हमें पहले कभी नहीं नजर आए, और लग रहा है कि आपकी बारे इम्प्रो क्लासिक में अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट पैकेज दिखाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं कि माइकल क्रिजो इस शो को जीतकर क्वालिफाई कर पाते हैं ओलंपिया के लिए या फिर नहीं, और इनके बारे में आपके क्या थॉट्स एंड ओपिनियंस हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।